आज यार गाइस 24 डेट हो गई है यार, और 2 दिनों के बाद शिनचान का बर्थडे आने वाला है। आप लोगों को यार गाइस पता ही होगा कि शिनचान का जब भी बर्थडे आता है तो मैं उसको ना कोई तगड़ी सी चीज़ गिफ्ट करता हूँ, पर टिल दफा भाई मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या ही चीज़ गिफ्ट करूँ उसको। यानी कि भाई गाड़ी पिछली दफा मैंने उसको गिफ्ट की थी, कपड़े वपड़े मैं उसको वैसे देता रहता हूँ, साथ में ही उसके लिए खिलौने विलौने तो मैं लाता ही रहता हूँ। अभी पिछली वीडियो में आपने देखा मैंने RC कार्स भी इसको दी लाके, और इसके अलावा क्या ही गिफ्ट हो सकता है यार, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा अभी। और अगर कुछ पुराना गिफ्ट दे दिया ना तो फिर शिनचान कहेगा कि ये वाला गिफ्ट मेरे को क्यों दिया है, ये तो पहले भी उसके पास है। तो भाई कुछ सोचना पड़ेगा तरंगी सी चीज़ अभी यार, क्या करें मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस। यार आप ही कुछ सजेशन दे दो यार कमेंट सेक्शन में कि क्या ही गिफ्ट दिया जाए शिनचान को, फिर हम लोग सोच लेंगे। अगर आप लोगों में से किसी ने अच्छे गिफ्ट के बारे में बताया तो भाई वो हम लोग दे सकेंगे। यार अभी ये चॉप और शिनचान यहाँ पे भाई बात बात कर रहे हैं। हाय फिंक भैया, यार उठ गए आप? मैं तो कब से उठा हुआ भाई, मैं तो ऊपर था। अरे यार ऊपर क्या कर रहे थे, नीचे क्यों नहीं आ रहे थे? अबे वैसे से कुछ सोच रहा था भाई। हाय फिंक भैया, क्या सोच रहे थे मेरे को बताओ ना यार जल्दी से। अबे कुछ सोच रहा था ना, सीक्रेट चीज सोच रहा था, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता तेरे को। हाय फिंक भैया, मेरे को अभी माइकल अंकल का फोन आया था। माइकल का? क्यों भाई माइकल का फोन क्यों आया था तेरे को? अरे यार वो कह रहा था कि उसे शिनचान से मिलना है जल्दी, आज ही। आज ही मिलना है शिनचान से? बड़ क्यों शिनचान? हाय फिंक भैया, मेरे को नहीं पता, माइकल अंकल ने कहा था कि जल्दी से ना मेरे घर पे आ जाओ। अबे माइकल के घर पे? बड़ा माइकल के घर पे क्यों जाना है भाई, उसको कहता भाई फोन पे बता दे। हाय फिंक भैया, पता नहीं उन्होंने कहा था कि पहले जल्दी से आ जाओ मेरे घर पे। अबे अच्छा चल फिर चलें क्या? है फिंक भैया, आपकी तरह आपको किसने बुलाया? अबे तू अकेला जाएगा क्या तू? तेरे पास लाइसेंस वाइसेंस तो है नहीं, पैदल जाएगा क्या उसके घर? है फिंक भैया, नहीं टैक्सी पे जाऊंगा। अरे हाँ हम लोग टैक्सी पे जाएंगे। अरे चुप, तुझे किसने बुलाया? तुझे भी नहीं बुलाया ना, फ्रैंकलिन भैया को बुलाया, मुझे अकेले को बुलाया, मैं अकेला जाऊंगा। अबे कितना भाई चौड़ में चल रहा? नहीं भाई मैं भी साथ चलूंगा तेरे, मुझे वैसे भी उस साइड पे कुछ काम है, तो तुझे ड्रॉप करके तो मैं अपना काम कर लूंगा। है फिंक भैया ठीक है, फिर ऐसा कर लेते हैं। हाँ भाई कर लेते हैं, था जल्दी से आ जाओ तुम लोग, मैं गाड़ी निकालता हूँ। पता नहीं भाई माइकल को क्या याद आ गया आज। खैर हम लोगों को क्या, गाड़ी निकालते हैं चलते हैं, जाके पता चल ही जाएगा भाई क्या ही ऐसी बात करनी है इसने शिनचान से। अभी तुम लोग जल्दी से आओगे कि मैं अकेला जाऊँ? हाय फिंक भैया आ रही है, एक सेकंड। हाँ भाई जल्दी आ जाओ। वैसे गाइस यार ये लोग जब तक आ रहे हैं आप लोग बताओ भाई अपनी गाड़ी कैसी है ना, मस्त सी भाई, देखने से मजे आ जाते हैं। ये देखो भाई क्या शाइन मार रही है, पिछली दफ़ा मैंने धुलवाया था इसको तब से ही भाई क्या मस्त लुक आ रही है इसकी निकल के। यार तुम लोग जल्दी से आ रहे हो भाई, मैं अकेला जाऊँ फिर? अरे यार आ जाते हैं, क्या हो गया इतना शोर मचाते रहते हो, खुद पहले बाहर आ जाते हो तो। हाँ भाई तो बाहर आके तुम लोगों का वेट करता रहता हूँ मैं, फिर तुम लोग आते नहीं हो। आ भी जा भाई शिनचान, घंटा लगा दिया भाई इसने लड़के ने आने में। चलते हैं यार अब देखते हैं माइकल ने भाई क्या ही ये अचानक बुला लिया भाई शिनचान को। वैसे कोई काम वाम तो नहीं होगा उसको तेरे से शिनचान? हाँ भैया मेरे से क्या ही काम होगा उनको। अरे हाँ माइकल अंकल को अगर कोई काम होगा तो वो तो फ्रैंकलिन भैया को बुलाएंगे ना। हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ चौप, कि वो मेरे को बुलाएगा, शिनचान को थोड़ी बुलाएगा। अभी भाई लग जाती भाई गाड़ी अपनी। अरे तो ध्यान से चलाओ ना, कौन कह रहा है ऐसे उड़ा के चलाओ। हाँ ध्यान से चला रहा हूँ यार चौप, ज्यादा मत बोल अभी तो। गाड़ी अपनी कुछ ज्यादा ही फास्ट है यार गई, यानी उड़ती उड़ती चली जाती है, इसी वजह से थोड़ी भाई ठुकुक भी गई है अभी रास्ते में, वॉश करवानी पड़ेगी। यार कोई बात नहीं करवा लेंगे अभी बाद में, अभी इस तरफ को जाना है ना? नहीं भाई आगे से जाना है। हाय फिंक भैया क्या कर रहे हो, घर भूल गए क्या माइकल अंकल का? अबे नहीं नहीं घर नहीं भूला मैं, बट वैसे ही एक दफ़ा को ना बंदे को जरा वो हो जाता है भाई के पता नहीं कहाँ पे जाना था, यहाँ से ये आ गया ना भाई घर। अंदर से भाई इंटीरियर तो कुछ ज़्यादा ही मजे का है यार इस गाड़ी का। ये आ गया भाई माइकल का घर। आ जा भाई आ जा शिनचान, तू भी बाहर आ जा, माइकल पता नहीं कहाँ पे है, अंदर ही होगा भाई और कहीं जाना है इसने। हेलो माइकल जी। हेलो, अरे भाई ये तुम लोग सब यहाँ पे बैठे हो, माइकल कहाँ पे है भाई? अरे फ्रैंकलिन चाचा पापा तो पीछे हैं। अरे अच्छा पापा पीछे, अरे भाई शिनचान फिर जल्दी से चलते हैं देखते हैं भाई कहाँ पे है माइकल। ये राना भाई। अरे यार फ्रैंकलिन तू कैसे आया? भाई तूने बुलाया था ना? अरे तुझे कब बुलाया, किसने बुलाया? मैंने तो शिनचान को बुलाया था सिर्फ। अरे हाँ भाई वो भी साथ ही है। अरे यार तू मोटा क्या गया, तुझे बुलाया भी नहीं किसी ने। बदतमीजी मत कर अभी, तूने क्या कहना था भाई शिनचान को, कह ले भाई मैं साइड पे जाता हूँ। अरे नहीं नहीं यार तेरे को पता ही है कि शिनचान का बर्थडे आ रहा है। हाँ मेरे को पता है, लेकिन तुझे कैसे याद है भाई? अरे यार मुझे हमेशा याद होता है, तुझे पता है। हाँ तुझे याद तो रहती है भाई, माइकल की ना भाई ऐसे मेमोरी ना इस चीज़ में काफ़ी तेज है, हमेशा ना इसको सबकी बर्थडेज वगैरह याद रहती है, मेरी हो चाहे भाई आयरन मैन की हो, शिनचान की हो या फिर चॉप की हो। अरे हाँ यार तुझे तो ये सब पता ही है, तो मैं सोच रहा था शिनचान को कुछ गिफ्ट दे दूँ।
हाँ भाई ये बात भी ठीक है, तो दे दे भाई शिनचान को गिफ्ट। अरे नहीं मैं शिनचान से पूछना चाह रहा था उसको क्या गिफ्ट चाहिए। अरे माइकल अंकल आप कुछ भी दे दो मेरे को चलेगा। अरे भाई मेरे से तो भाई ऐसे लड़ा होता है कि भाई मेरे को ये चाहिए, अब उसके सामने बोलना भाई तेरे को क्या चाहिए। है फ्रेंक भैया नहीं हो जो भी दे देंगे मैं हर खुशी ले लूंगा, ऐसे मांग के थोड़ी लेते हैं यार गिफ्ट। अरे अरे शिनचान तो बहुत समझदार हो गया है, मुझे यकीन नहीं होता यार कि फ्रैंकलिन ये तेरे साथ रहता है। हाँ मेरे साथ रहता है और मैंने भाई इसको सारी तमीज वमीज सिखाई है। हाय फ्रैंक भैया आपको खुद नहीं है, आपने मेरे को कहाँ से सिखानी है। बदतमीजी बस तेरे से करवा लो भाई हर दफा की। अरे अच्छा यार वो असल में शिनचान मैंने गिफ्ट तेरे लिए खरीद लिया हुआ है, बस तेरे से कंफर्म करना था कि तुझे कुछ स्पेशल चीज तो नहीं चाहिए। चला मैं तुझे दिखाता हूँ तेरा गिफ्ट। हाँ भाई माइकल दिखा भी दे, अब क्या घंटे थे भाई वेट करवा रहे हम लोगों को। अरे हाँ यार शिनचान आ तेरे को दिखाता हूँ तेरा गिफ्ट। हाँ भाई दिखा दे अभी क्या गिफ्ट है भाई, इतना दिमाग खराब कर रहा है ये क्या भाई, गिफ्ट है गिफ्ट है गिफ्ट है दिखा रहा नहीं है भाई, घंटे से हम लोग आए रखे हैं। अरे घंटे से कब आए हुए, अभी तो आए तुम लोग, जल्दी से आ गया यार शिनचान तेरा गिफ्ट दूं तेरे को। अरे यार माइकल अंकल लेकिन गिफ्ट क्या है। अरे यार गिफ्ट है ये वाली गाड़ी। क्या बात कर रहा भाई, लैम्बोर्गिनी की गाड़ी गिफ्ट में दे रहा तू शिनचान को। अरे हाँ यार मुझे कुछ समझ नहीं आया था तो मैंने सोचा गाड़ी क्यों ना दे दूं। भाई तू मस्त अमीर चल रहा है, इतनी भाई महंगी गाड़ी दे दी उसको। हाय फ्रैंक भैया यार मेरी हो गई ये गाड़ी, अब तो मैं चलाया करूंगा। हाँ तेरी गाड़ी हो गई भाई तू चलाया कर, बट लाइसेंस तो है नहीं भाई तेरे पास। अरे यार इसका कोई मसला नहीं है, कोई कहीं रोके तो मुझे फोन कर रहा, मैं निपटा दूंगा मामला। अरे भाई ये गंदी आदतें लगा रहा भाई शिनचान को तू। अरे यार कुछ नहीं होता। हाय फ्रैंक भैया यार मेरी बर्थडे है, मुझे तंग मत करो यार, मुझे गिफ्ट मिला है मुझे उसको यूज करने दो। अरे लेकिन अभी घर कैसे लेके जाएंगे भाई, एक काम करते हैं तेरी गाड़ी में चलते हैं शिनचान, इसको घर पे पार्क कर देंगे फिर मैं वहां से टैक्सी में आगे अपनी गाड़ी ले जाऊंगा, क्या कहता तू। है फ्रैंक भैया ये गाड़ी मैं चलाऊंगा यार। अबे यार तू ठोक देगा भाई। है यार फ्रैंक भैया नहीं ठोकता, मेरे पे यकीन नहीं है क्या। हाँ भाई नहीं यकीन तेरे पे इसलिए तो कह रहा हूँ। है फ्रैंक भैया कुछ नहीं होता ना यार, आके बैठना है गाड़ी में। अरे अच्छा भाई चलो यार गाइस देख लेते हैं भाई शिनचान की ड्राइविंग भी आज। भाई यार थैंक यू तूने शिनचान को गिफ्ट दिया उसके लिए। अरे यार कोई बात नहीं है। हाँ हाँ माइकल अंकल थैंक यू सो मच यार बर्थडे से पहले गिफ्ट देने के लिए, वैसे बर्थडे वाले दिन आप दे सकते थे यार मेरे को गिफ्ट। अरे हाँ बर्थडे वाले दिन भी कुछ सोच लूँगा अगर गिफ्ट देना हुआ तो। चल ठीक है माइकल मिलते हैं फिर बाद में। अबे यार अभी स्टार्ट हुई नहीं पहले ठोक दी भाई तूने तो। हाय फ्रैंक भैया अभी चलाना सीख रहा हूँ ना यार। अबे ब्रेक मार भाई, ऐसे जब टर्न लेना होता भाई एकदम से नहीं निकल जाते, क्या ड्रिफ्टे मार रहा भाई तू, लिटरली तेरा पहला दिन है चलाने का और तू ये क्या कर रहा है भाई, ये सुपर कार है बहुत तेज चलती है ऐसा चला। हाय फ्रैंक भैया कुछ नहीं होता यार। अबे ये देख अभी अभी हम पेड़ में भिड़ जाते भाई, किसी को नीचे मत दे दीजिए बस, अब पुलिस केस बन जाएगा हम लोगों पे। हाय फ्रैंक भैया कुछ नहीं होता यार। अबे उधर कहाँ जा रहा है, घर उस तरफ नहीं है। हाय फ्रैंक भैया भूल गया भूल गया। अरे यार गाइस यार मेरे को डर लग रहा है ये किसी में ठोक देगा फिर वो बंदे से मेरे को भिड़ना पड़ेगा, वैसे यार अंदर से इंटीरियर तो गाइस यार अच्छा है नो डाउट। अबे 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 आहिस्ता भाई आहिस्ता चला ले, क्या कर रहा है भाई तू। हाय फ्रैंक भैया यार तंग मत करो मेरे को। हाँ भाई तंग नहीं कर रहा तेरे को बता रहा हूँ भाई किस तरह तमीज से चलाई जाती है गाड़ी। हाय फ्रैंक भैया यहाँ से इधर जाना ना। हाँ इधर ही जाना आहिस्ता। अबे आहिस्ता भाई आगे गाड़ी वाड़ी तो देख ले भाई, क्या कर रहा है भाई फुटपाथ पे लोगों को नीचे देने लगा हुआ है भाई तू। हाय फ्रैंक भैया चौक को तो वहीं पे भूल गए। अबे हाँ भाई चौक को तो उधर ही भूल गए यार। अबे कोई बात नहीं भाई चौक को भी ले आएंगे, वैसे भी मेरे को जाना तो है ही अपनी गाड़ी लेने, चौक को भी ले आऊंगा भाई मैं, मेरे एकदम से दिमाग से ही निकल गया कि भाई चौक भी हम लोगों के साथ गया हुआ है। अरे हाँ यार फ्रैंक भैया मैं भी भूल गया यार अपने गिफ्ट के चक्कर में। हाँ भाई और क्या, इतना उतावड़ा हो गया था भाई ये अपने गिफ्ट के चक्कर में भाई चौक को ही भूल गया यार, क्या ही कर सकते हैं अभी भाई, यार अभी क्या ही कर सकते हैं, वापस जाऊंगा चौक को ले आऊंगा मैं। हाय फ्रैंक भैया आप कहाँ जा रहे हो यार। कहीं नहीं जा रहा मैं, कुछ सोचने जा रहा हूँ अभी, तुझे आकर थोड़ी देर में लेकर जाऊंगा, रेडी रहियो बस तू। हाय फ्रैंक भैया ठीक है। अबे यार चलते हैं पहले, सबसे पहले वो वहाँ से गाड़ी अपनी लेते हैं और चौप को लेते हैं भाई। चौप भाई कैसे मेरे दिमाग से निकल गया यार, लिटरली मैं भूल ही गया भाई चौप हम लोगों के साथ आया है, ऊपर से भाई ये शिनचान का बच्चा भी भूल गया कि चौप को लेकर जाना है। अभी मैं सोच रहा यार देखो माइकल ने गाड़ी दे दिया है तो अब गाड़ी तो मैं शिनचान को गिफ्ट नहीं कर सकता, कुछ तो सोचना पड़ेगा यार अभी। यहाँ पे देखो चौप है। अरे यार भाई कहाँ से ले आए और अंदर से कब बाहर गए। अरे वो चौप हम भूल गए थे कि तू भी साथ आया। अरे यार मुझे भूल ही गए थे क्या। हाँ तो जो भूल गए थे। अभी यार माइकल अंकल ने क्या कहा। अबे माइकल ने ना शिनचान को गाड़ी गिफ्ट की है भाई, उसकी बर्थडे जो आने वाली है। अरे हाँ उसकी बर्थडे आने वाली है, मैं तो भूल ही गया। हाँ उसकी बर्थडे आने वाली है, तेरे को तो याद ही नहीं है भाई कोई भी चीज तो। अरे हाँ यार तो क्या गिफ्ट दिया माइकल अंकल ने। माइकल ने उसको अभी गाड़ी दी है यार पूरी की पूरी। अरे यार अभी कुछ छोटी मोटी चीज दे दो।
अभी छोटी मोटी चीज़ क्या दूँ यार मैं, चाहो आप तू कुछ सजेशन दे दे। अरे यार मेरे को क्या पता कि क्या देना होता है, जॉब समझ तो कुछ नहीं आ रहा, बट अभी सोच लेते हैं यहाँ से है ना ये कार वॉश के अंदर इधर से जाना है ना। अरे हाँ मेरे को तो उतार दो। अबे रुक जा भाई, तेरे को भी साथ ही सफाई तेरी करेंगे। अरे यार मेरे को सफाई नहीं करवानी अपनी। अरे भाई तब तो करनी पड़ेगी क्योंकि अब तो मैं एंटर हो चुका हूँ। अरे यार मेरे पे भी साबुन छिड़क देंगे यार, ये इतना पानी फेंक दिया ठंडा यार। हाँ ठंडा पानी फेंक दिया तो तू भी नहाया गया भाई, वरना तो तू इतने अरसे नहाता ही नहीं है भाई। अरे यार क्या हो गया, इतना नहाया था मैं अभी कल। अरे दोबारा नहाया गया क्या हो सकता है। अरे यार गाड़ी तो चमचम आ गई है। हाँ गई यार गाड़ी, देखो बिल्कुल चमचमा सी गई है, क्या तगड़ी लग रही है। हैर भाई तेरे पास कोई सजेशन भी नहीं आया क्या? अबे कॉल किसका आ गया। हाँ ट्रेवर क्या हुआ भाई? अरे यार फ्रैंकलिन कैसा है यार तू? मैं ठीक यार, तू सुना? अरे यार मैं तो बढ़िया। अरे एक काम कर सकता है यार क्या तू? हाँ भाई बोल क्या काम। अरे यार शिनचान को लेके जरा यार मेरे घर तक आ जा। अरे लेकिन शिनचान को लेके तेरे घर क्यों आ जाऊँ भाई? अरे यार वो शिनचान का गिफ्ट मैंने रेडी रखा था तो मैं सोच रहा था कि उसको दे दो। अरे लेकिन ऐसा क्या गिफ्ट है जो तूने उसको देना है? अरे यार वो तो तू आएगा ही तो पता चलेगा। अबे नहीं पहले बता भाई फिर आऊँगा, फालतू में इतनी दूर मैं तेरे पास आऊँ और फिर फालतू सा गिफ्ट विफ्ट तुझे रखा हो। अरे यार गिफ्ट तो बहुत मस्त है यार, एक दफा आके देखेगा तुझे मजे आ जाएंगे यार फ्रैंकलिन। क्या बात कर रहा भाई तू, कैसा सा गिफ्ट है? अरे यार एक तगड़ी सी गाड़ी है यार। गाड़ी तो ऑलरेडी भाई माइकल ने गिफ्ट कर दी है भाई शिनचान को। अरे यार क्या बात कर रहा है तू, मैंने माइकल को बोला भी था कि गाड़ी मत गिफ्ट करी। अरे अच्छा तुम लोगों की बात हो रखी थी क्या? अरे यार अभी उसने तो गाड़ी गिफ्ट कर दी है तो अभी तेरे को कुछ और सोचना पड़ेगा आई गेस। अरे यार ये माइकल का बच्चा हमेशा ऐसे करता है। ठीक है मैं कुछ और सोचता हूँ यार फ्रैंकलिन। अरे फिर तू अभी मत आइयो यार। हाँ मैं अभी नहीं आ रहा भाई, जब तेरे पास गिफ्ट रेडी हो ना तब मेरे को बताई, शिनचान को लेके मैं तेरे पास ना आ जाऊँगा। अभी ये भाई यहाँ पे इधर ही खड़ा भाई शिनचान, गाड़ी वाड़ी देख भाई चौप इसको ये वाली मिली है। अरे ये तो बहुत मस्त लग रही है। हाँ मस्त तो लग रही है, बड़ा भी ये वाली गाड़ी मैं अपनी कहाँ पे खड़ी करूँ। ठीक है अभी बाहर ही रख देते हैं, बाद में अंदर खड़ी कर देंगे। हाँ भाई इधर ही खड़ा है अभी तक तू। हाँ फ्रैंक भैया यार लेस्टर अंकल की कॉल आई थी मेरे को। अबे लेस्टर की? क्यों भाई लेस्टर क्या कह रहा था? हाँ फ्रैंक भैया वो कह रहे थे कि आके ना अपना गिफ्ट ले जाओ मैं जल्दी से। अबे उसको कहना था भाई अभी टाइम नहीं है आज, किसी और दिन भाई गिफ्ट ले लेंगे उसके पास से। मैं जो यार आप लोगों ने अभी तक कोई भी आइडिया नहीं दिया यार गाइस के शिनचान को मैं क्या ही गिफ्ट दूँ। मेरे दिमाग में आ रहा है क्यों ना इसको कोई मेंशन या फिर कोई घर दे दूँ गिफ्ट, पर घर इतने महंगे आते हैं भाई, इसको कहाँ से मैं घर दे दूँ? मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 5-6 लाख होंगे, पर आप लोगों को पता है यार 5-6 लाख में कौन सा ही घर आता है, यानी कि 5-6 लाख में तो कुछ भी नहीं आ पाएगा, कुछ और सोचना पड़ेगा भाई मेरे को तो। एक काम करता हूँ लेमार को कॉल करता हूँ। हे यार रखी कैसा है? मैं ठीक लेमार, ये बता भी तू कहाँ पे है? अरे यार मैं तो अपने घर पे हूँ। अरे यार कोई एक आइडिया दे कुछ तगड़े से गिफ्ट का, मुझे शिनचान को ना बर्थडे पे कुछ गिफ्ट देना है। अरे यार तू उसको क्या देने की सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ भाई कोई घर दे दूँ उसको गिफ्ट में, छोटा सा अपार्टमेंट हो या घर टाइप कुछ भी हो, बट उसके लिए पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। अरे यार कितने पैसे तेरे पास? यही कोई 5-6 लाख है यार लेमार। अरे यार इतने पैसों में तो कोई घर वर नहीं आएगा ना अपार्टमेंट आएगा फ्रैंकलिन। अरे यार कुछ सजेशन दे देना भाई, अभी लेमार तेरे को कॉल किया तो। अरे यार एक ना तगड़ा सा वाटर मेंशन बिक रहा है अभी लॉस एंजेलिस में। क्या मतलब वाटर मेंशन? अरे यार वाटर मेंशन मतलब के पानी के अंदर बना हुआ घर, काफी तगड़ा है। अरे लेकिन वो तो बहुत महंगा होगा ना? अरे हाँ यार बस यही दिक्कत है कि वो महंगा बहुत है। अरे कितना ही महंगा है ये बता दे। अरे यार कुछ 100 करोड़ का है। अबे पागल वागल तो नहीं हो गया? मैं तेरे को कह रहा हूँ मेरे पास 4-5 लाख है और 100 करोड़ के मेंशन की बातें कर रहा तू मेरे से। अरे यार देख ले शिनचान को इससे तगड़ा गिफ्ट किसी ने भी नहीं दिया होगा। हाँ गिफ्ट तो किसी ने नहीं इतना तगड़ा दिया होगा, बट पैसे इतने नहीं है ना मेरे पास। अरे यार फ्रैंकलिन तू ऐसा काम कर, तू ना जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर और मेरे पास पहुंच जा, हम लोग मिलके कुछ करते हैं। वो वाटर मेंशन हमने कैसे खरीदना है कुछ जुगाड़ लगाते हैं। अच्छा चल ठीक है मैं फिर तेरे पास आ रहा हूँ भाई, तू रेडी रही हो, तेरे घर के बाहर आके तेरे को कॉल करता हूँ मैं फिर। अरे हाँ हाँ आ जा आ जा। ऑल राइट गाइस यार फिर ऐसे करते हैं जल्दी से ना लेमार के पास जाते हैं। एक काम कर भाई। ओए हेलो। अरे हाँ यार बोलो। अबे ये गाड़ी जल्दी से ना अंदर खड़ी कर दे और तू भी शिनचान अंदर भाई जाके भी बैठ जा, अपनी गाड़ी चलाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। मेरे बगैर खबरदार तूने वो गाड़ी चलाई तो। हाय वेंग भैया नहीं चलाता यार नहीं चलाता। हाँ वो गाड़ी वरना तो ऐसे फट फुट गई या फिर किसी में टुक गई ना दिक्कत हो जाएगी बहुत। हम लोग चलते हैं यार गाइस जल्दी से ना लेमार के घर पे।
लमार देखो अब क्या ही सजेस्ट करता है कि क्या करना चाहिए हम लोगों को। वाटर मैंशन वैसे यार सुनने में तो बहुत तगड़ा लग रहा है, बट मेरे को पता नहीं कि वाकई में ये होगा कैसा सा। बट और कोई अभी मेरे पास सरप्राइज करने के लिए कोई चीज़ भी तो नहीं है ना, यानी कि भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही। एक गाड़ी वाड़ी किसी ने भाई यहाँ पे लगा रखी है तो बताओ जरा, और 100 करोड़ आएंगे कहाँ से भाई? मेरे पास तो कोई काम धंधा भी नहीं है ना, कोई इतनी महंगी चीज़ है कि बेच सकूँ जो 100 करोड़ की बिक जाए। तो भाई ये आ गए हम लोग अपने पुराने हुड के पास, और यहाँ पे कहाँ पे गया भाई लमार का घर? इधर है ना भाई, अंदर लमार का, ये रहा लमार का घर भाई। चलते अंदर बुलाते हैं इसको बाहर के जल्दी से आए भाई। हाँ भाई लमार बता भाई फिर कैसे लेना वो मैंशन? अरे यार फ्रैंकलिन मैंने तुझे कहा था यार कि मेरे पास ना एक तगड़ा प्लान है। असल में ना हम लोगों को जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। अब पागल वागल हो गया पुलिस स्टेशन में? कोई चीज नहीं, मैं चोरी कर रहा हूँ भाई, पकड़ लेंगे बॉम्ब मारेंगे वो लोग। अरे नहीं नहीं चोरी कुछ नहीं करना यार, तेरे साथ तू चल मैं तुझे रास्ते में समझाता हूँ। अबे यार लमार देख मरवा मत दीजिए भाई। अरे यार तुझे मेरे पे यकीन नहीं है क्या? नहीं भाई यकीन तो बिल्कुल भी नहीं है तेरे पे, फालतू में भाई कोई पंगा हो गया ना भाई। अंदर जाएंगे हम दोनों सीधा का सीधा। अरे यार फिक्र मत कर, हम लोगों को पुलिस से कुछ चुराना नहीं है बल्कि पुलिस को हमारी मदद की जरूरत है। हमारी मदद की जरूरत पुलिस को? आप मजाक क्यों कर रहा भाई, हमारी मदद की जरूरत क्यों होगी पुलिस को? अरे यार असल में ना बात यह है फ्रैंकलिन कि उनको एक मुजरिम को शिफ्ट करना है सैंडी शोर वाली जेल में। हाँ तो फिर मैं क्या करूँ भाई उसमें? अरे लेकिन वो मुजरिम बहुत ज्यादा खतरनाक है, और पुलिस वालों को पता है कि अगर वो उसको लेके गए तो वो कभी भी उसको सैंडी शोर नहीं पहुंचा पाएंगे, और उससे पहले ही वो मुजरिम आजाद हो जाएगा, यानी उसकी गैंग के लोग अटैक करके उसको ले जाएंगे अपने साथ। अरे क्या बात कर रहा है, तो भाई हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? अरे यार तो हम लोगों को प्रिजनर को शिफ्ट करना है। क्या हम लोगों को प्रिजनर को शिफ्ट करना है? भाई क्या ऐसी बातें कर रहा भाई, ये वाले काम थोड़ी करता हूँ मैं। अरे यार 100 करोड़ मिलेगा। 100 करोड़? तो तू नहीं लेगा क्या पैसे बीच में से? अरे यार शिनचान को गिफ्ट तो देना ही है, मैं अपना हिस्सा भी तुझे दे दूंगा, हम दोनों मिलके वो वाटर मैंशन खरीद लेंगे। अच्छा चलो ठीक है भाई, ऐसे कर लेते हैं भाई, चलते हैं पुलिस स्टेशन। देखो अभी तो मैं बहुत ज्यादा खतरनाक काम दे रहा हूँ, अगर रास्ते में वो प्रिजनर को कुछ हुआ या उसको लेकर कोई भाग गया ना तो 100 करोड़ जोड़ो, मैं तुम दोनों को भी अंदर कर दूंगा, समझ आई है तुम्हें? अरे जी जी सर आप टेंशन मत लें, बस आप प्रिजनर को लाएं। इस गाड़ी में जाना है क्या हम लोगों को? हाँ इस गाड़ी में जाना है, बुलेट प्रूफ बॉम्ब प्रूफ गाड़ी है, इस पर अगर कोई गोलियां वोलियां भी चलाएगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई रॉकेट भी मारेगा तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन वो प्रिजनर को कुछ नहीं होना चाहिए बस। हाँ सर कुछ नहीं होगा टेंशन मत ले, यहाँ बस प्रिजनर ले आए जल्दी से। इन दोनों को तो बिठा लिया है अभी अंदर, बट ले मार यार पुलिस वाले हम लोगों के साथ नहीं जाएंगे क्या? अरे नहीं यार पुलिस वाले ने जाना था तो हम लोगों को क्यों भेजते? अरे अच्छा चल आया भाई फिर चलते हैं, अबे बैठ भी जा। अरे हाँ हाँ बैठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ। अबे गाइस यार ये वाला काम काफ़ी मुश्किल है, सायरन वायरन बजा देते हैं ताकि भाई कोई भी हम लोगों पे अटैक करने का सोचे भी ना। पुलिस का काम करना काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है यार मेरे को, यानी कि लिटरली हम लोग पुलिस पुलिस से फाइट वाइट करते रहते हैं लड़ते रहते हैं, और आज भाई पुलिस का ही काम करना पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि भाई कोई भी इस बॉम्ब प्रूफ गाड़ी पे हमला करने की सोचेगा भी, अगर सोचेगा भी तो भाई उसको निपटा देंगे, क्या कहते हैं लेमार? अरे हाँ यार गनवन तो है ना तेरे पास? अरे क्या मतलब मेरे पास तेरे पास नहीं है क्या? अरे नहीं यार मेरे पास क्यों होनी है? अबे पागल हो गया क्या, बिना गन के निकला है भाई तू, क्या बंदा है भाई? अगर कहीं पे भी कोई गोली वोली चल गई ना लमार तो भाई दिक्कत हो जाएगी हम लोगों के लिए, अभी तक तो सब कुछ स्मूथ ही चल रहा है यार गाइस। फालतू में भाई वो पुलिस वाले डर रहे थे कि जैसे कि पता नहीं भाई कौन ही अटैक कर देगा हम लोगों पे। कितनी दूर रह गई यार रास्ता लमार? अरे यार थोड़ा सा ही आगे जाना है। अब पुलिस वालों ने क्यों रोक रखा भाई यहाँ पे? अबे ये तो गोलियां चला रहे हैं भाई, पुलिस वाले क्यों हम पे गोलियां चला रहे हैं? हम लोग तो पुलिस वालों के साथ काम कर रहे हैं ना। अरे मुझे लगता है भेष बदल के नकली पुलिस वाले आए हैं। भाई तुम सबको निपटा दूंगा सामने से हट जाओ। भाई साहब अभी शिनचैन को भाई मेंशन देना है, मैं उसके लिए भाई कुछ भी कर दूंगा, किसी भी हद तक जाऊंगा। भाई पीछे हो जा भाई पीछे हो जा, बहुत सारे आ गए भाई, इसकी गैंग वाले तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, मैं इसकी गैंग वैंग से ज्यादा प्रो हूं, उड़ा के रख दूंगा सबको। भाई पे हो जा भाई तू भी। भाई थोड़ी दूर रह गया पुलिस स्टेशन, गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया भाई, क्या गाड़ी स्लिप हो रही है। बट हम लोगों को किसी तरह भाई वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, अगर हम लोग किसी तरह भाई उस पुलिस स्टेशन की टेरिटरी में पहुँच गए ना फिर तो ये फेक पुलिस वाले हम लोगों के पीछे से गायब हो जाएंगे। हाँ भाई गायब हो जाएंगे क्योंकि आगे से ओरिजिनल सही वाली पुलिस वाले लोग आ जाएंगे। और लाइट तो अभी अपनी पुलिस वाले आ गए हम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, और भाई साहब देखो पीछे से वो वाले पुलिस वाले भी गायब हो गए हैं। थैंक गॉड भाई सही टाइम पर पहुँच गए हम लोग। हर प्रिजनर्स को उतारते हैं यहाँ से और चलते हैं वापस से घर।
भाई ये प्रिजनर जो है, हेलो नीचे उतरो भाई, तुम लोग ऊपर ही रहना क्या तुम लोगों ने? अरे भाई ले मार इनको, उतार भाई जल्दी से। एक बंदा तो उतर आया भाई, ये भाई दूसरा भी उतर आया भाई, इसको क्या हो गया भाई ले मार। यार पता नहीं है गिर गया शायद। अब ड्रामे ब्रामे कर रहे हैं, पुलिस वालों को भाई अंदर से बुलाते हैं, पुलिस वालों के हवाले करते हैं इस बंदे को। लो जी लो, दोनों को पुलिस की कस्टडी में दे दिया। अभी आ जा ले मार, चलते हैं फिर वापस भाई, लेते हैं 100 करोड़ का इनाम, वहां से अपनी गाड़ी में बैठते हैं। पीछे कहाँ पे बैठेगा भाई तू, मुजरिम है क्या? अरे यार पीछे बैठने का तो अपना ही मजा है। हाँ भाई ये बात भी ठीक है। अरे ठीक है जल्दी से चलते हैं वापस, पुलिस स्टेशन सायरन अपना ऑन करते हैं और भाई सब 100 करोड़ लेकर चलते हैं मैंशन खरीदने। लो जी लो आ चुके हैं अभी हम लोग यहाँ पे पुलिस स्टेशन, यहाँ पे खड़ी करते हैं भाई पुलिस वालों की गाड़ियाँ। और भाई आ जा भाई लमार उतर जा, जल्दी से चलते हैं भाई, अपने पैसे लेते हैं इनाम के और लेके भाई जल्दी से पहुँचते हैं मैंशन लेने। और लाइट तो गई यार, पैसे वैसे अभी मिल चुके हैं, हम लोगों की गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी थी, ये देखो भाई पैसे अभी ऊपर बांध लिए हम लोगों ने अच्छे से, पूरे का पूरा 100 करोड़ है भाई, ये उड़ तो नहीं जाएंगे यार ले मार। अरे यार क्यों उड़ देंगे फ्रैंकलिन, फालतू बात मत कर, अभी जल्दी कर इसे पहले कोई और बंदा वो मैंशन खरीद ले, हम लोगों को मैंशन लेना है। हाँ भाई जा रहा हूँ जल्दी जाने की कोशिश कर रहा हूँ ले मार मैं, मुझे भी भाई जल्दी है तेरे से ज्यादा शिनचान को गिफ्ट देने के लिए। जाना भी किस साइड पे ये बता सबसे पहले। अरे यार हम लोग को बी साइड पे जाना है, जल्दी उधर को ले ले। और लाइट ठीक है, यहाँ से इस तरफ को हम लोग बी साइड पे निकलते हैं और सीधा पहुँचते हैं भाई मैंशन खरीदने के लिए, मजे आ जाएंगे यार गई तो। ले भाई बी साइड पे तो आ गए यार ले मार। अरे हाँ यार बस यहाँ पे हेलीकॉप्टर के पास रुक दे। यहाँ पे क्या? अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही बंदा है। अच्छा भाई ये बंदा है क्या? हेलो सर। हेलो जी जी हेलो, कैसे हैं सर आप? मैं तो बढ़िया हूँ, आप ये बताओ कि आप कोई मैंशन वैंशन बेच रहे हो क्या? हाँ सर बिल्कुल मैंशन बेच रहा हूँ, थैंक गॉड कोई कस्टमर तो आया सर, सुबह से कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा देखने के लिए अभी। अरे क्या बात कर रहे हो, क्यों इतना महंगा जो है इस वजह से नहीं आ रहा होगा आई गेस? अरे सर मुझे नहीं पता, अभी हम लोगों ने अपने रेट थोड़े कम कर दिए हैं। अरे कितने कम कर दिए हैं? अरे सर सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ का ये वाटर मैंशन मिल रहा है। अरे भाई लमार मजे आ गए भाई, 50 करोड़ में मिल जाएगा हम लोगों को तो। अरे हाँ यार फ्रैंकली ये तो तगड़ा चीज हो गई। सर ठीक है हम लोगों को वहाँ तक ले चलेंगे, हेलीकॉप्टर में लेकर जाएंगे क्या? अरे जी जी सर हेलीकॉप्टर में लेकर जाऊंगा, आ जाए जल्दी से। और लाइट ठीक है, आ जा भाई लमार तू भी। अरे सर जी आप भी आ जाओ ना। अरे जी जी मैं आ गया हूँ, पैसे है ना आपके पास? हाँ ये देखो गाड़ी के ऊपर कितने पैसे हैं, जितने चाहिए भाई ले लो, मैं वैसे ही बता रहा था कि 100 करोड़ है मेरे पास। अरे अच्छा सर आप तो बहुत अमीर आदमी लग रहे हैं मुझे लॉस सैंटोस के। हाँ बस यही समझ लो कुछ अमीर आदमी ही हूँ मैं। आ जा ले मार, देखते हैं भाई कैसा है वाटर मैंशन। यहाँ पे सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ लग रखी हैं, काफ़ी सही यार लग रहा है भाई। ये देखो ये दोनों भाबड़ों की तरह वहीं से ही कूद गए हैं यार। यहाँ पे सीढ़ियाँ, हम लोग यहाँ से सीधा डाइव इन कर सकते हैं और चढ़ भी सकते हैं। आगे कहाँ पे जाना सर? अरे सर नीचे चले जरा। ऑल राइट भाई नीचे देखो, ये इनाबाद भाई काफी ज्यादा तगड़ा मैंशन लग रहा है। ओए ये लोग कौन है भाई? अरे सर टेंशन मत दे, वो मैंने ये घर की टेक केयर के लिए रखे हुए हैं लोग। अच्छा चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम लोग इनको बाद में भगा देंगे, अभी मैंशन तो खरीद लिया हम लोगों ने। यहाँ पे देखो भाई बंदा सो रखा है। ओ भाई यहाँ पे देखो ये वेल है क्या? ओ भाई साहब वेल, और नीचे बड़ी शार्क्स भी लग रही है। आ जा भाई ले मार तू भी। अरे यार तू देख मैं आता हूँ अभी बाद में। ऑल राइट तू आ जा बाद में। भाई साहब ये देखो भाई डॉल्फिन यहाँ पे है, यहाँ पे देखो शार्क, यहाँ पे डॉल्फिन। ओ भाई तगड़ी लग रही है, तो कितनी ज्यादा है भाई यहाँ पे मछलियाँ। लिटरली अगर इन्होंने स्ट्राइक किया ना तो शीशा वीशा टूटेगा, हम लोग भी बाहर जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है। बट यार अभी तो मुझे लग रहा है कि ग्लास काफी ज्यादा सॉलिड है, टूटे उठेगा नहीं। एक दफा मार के देखूँ क्या? हाँ अच्छा तो ग्लास है, टूटेगा नहीं आई गेस। सामने की तरफ एक बेड लग रखा है और यहाँ पे देखो क्या तगड़ा मस्त सा बेडरूम है, यहाँ पे काफी ज्यादा सही मैंशन लग रहा है। यहाँ पे भी बेडरूम है एक, और नीचे की तरफ है आई गेस ओपन सी। यहाँ पे देखो भाई सबमरीन वगैरह है, सबमरीन के साथ यहाँ पे काफी सारे इंस्ट्रूमेंट है, वो भाई मैप है पूरे के पूरे इस घर का। सामने भाई सोनार रेडिएशन की वो सारी की सारी स्क्रीन पे डिटेल लिखी हुई है। और भाई यहाँ पे भी देखो काफी सारा सामान पड़ा हुआ है जो कि हम लोगों को यहाँ पे रहने के लिए जरूरी है। यहाँ पे हम लोग अपनी ये सबमरीन डाल के भाई चला भी सकते हैं, नीचे से निकल भी सकते हैं। भाई काफी ज्यादा सही मैंशन लग रहा है, जल्दी से काम करता हूँ शिनचान चौक को कॉल करके ना यहीं पे बुला लेता हूँ। हाँ भाई क्या घर जाऊंगा फिर लेके आऊंगा, इनको इधर ही बुला लेता हूँ भाई मस्त तरीके से। तो गाइस अभी शिनचान जॉब को भी मैं यहाँ पे बुला चुका हूँ, अभी बताओ तुम लोगों को मेंशन कैसा लग रहा है? हाय फ्रैंक भी यार बहुत मस्त है, किसका मेंशन है? अरे हाँ यार ये मेंशन कितना मढ़िया है और कितना मस्त लग रहा है, मुझे तो लग रहा है काफी महंगा होगा, नीचे से भी देख के आऊँ मैं तो।
हाँ मुझे पता है तुम लोग नीचे से देख आए हो। अभी ये मैंशन जो है शिनचैन तेरा है। हाय फ्रैंक भैया, सच में क्या मजाक तो नहीं कर रहे? अबे नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली ये मैंशन तेरा है, मैं तेरे लिए खरीदा है, तेरा बर्थडे जो आने वाला है उसका गिफ्ट है ये। हाय फ्रैंक भैया, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे हाँ हाँ बस ठीक है ठीक है। अरे यार मेरी भी बर्थडे आएगी, मुझे भी मैंशन देना यार ऐसा वाला। हाँ हाँ जब जब बर्थडे आएगी तेरी तब देख लेंगे ना, अभी तो शिनचैन की बर्थडे आने वाली है, वो भी हम सेलिब्रेट करेंगे बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से। भाई यार आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ऊपर तो आपका वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी वीडियो तो जल्द कर दो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली दफा आए हो तो जल्दी से मार दो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लो, एट रबीलिज्म इंस्टाग्राम हैंडल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मैं शिनचैन चौब आप लोगों से मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखो अपना ख्याल और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।